हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपके मन में एक बहुत ही बड़ा सा डाउट आ रहा है कि आपको बनना है टीचर, आप भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और आपका पैशन टीचिंग है, तो आपने 12th अभी अभी क्लियर किया, अभी अभी रिजल्ट आया, अच्छा सबका रिजल्ट रहा होगा, तो आप जो है 12th के बाद डायरेक्ट टीचर कैसे बनेंगे, ये सबसे बड़ा डाउट है और कोई इस डाउट को क्लियर ही नहीं करता कि भाई बनना तो टीचर है बट क्या चूज़ करूँ, क्या ना चूज़ करूँ। आप कोई भी स्ट्रीम से है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल अगर आप आर्ट से हो तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे, सिमिलरली कॉमर्स के अलग ऑप्शन होंगे और साइंस के अलग ऑप्शन होंगे बड़े लेवल पर। बट 12th से अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट सोच रहे हैं टीचर बनने के लिए, तो आपको कुछ नहीं देखना आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप सीधा सीधा टीचर बन सकते हैं। मीन्स 12th पास स्टूडेंट विद 50% डायरेक्ट गवर्नमेंट या प्राइवेट टीचर बन सकता है। बेसिकली प्राइवेट तो आप फिर भी अप्लाई कर लेते हो, तो गवर्नमेंट आपका टारगेट रहता है, तो आप वो बनेंगे कैसे, क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे, छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ आपके माइंड से बिल्कुल एकदम रास्ता, एक पाथ होता है ना, सीधा पाथ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो जानते हैं। तो सबसे पहले अभी अभी आपने 12th पास की होगी, अगर आपने 50% से पास किया तो बहुत बढ़िया बात है, 50% के बाद मतलब टॉपर है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छे मार्क्स है, कोई बात नहीं, बट 50% आपको चाहिए टीचर बनने के लिए, कम से कम 50% तो होने चाहिए, बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से तो आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। तो मान लो हम 50% क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, 50% आपके मार्क्स है और आप सोच रहे हैं आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, बट बनना कैसे नहीं पता, तो वही पाथ हम जानेंगे। सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट 12th के बाद कोई कोर्स करना पड़ेगा टीचर के लिए, तो पहली बात तो टीचर आप डायरेक्ट ऐसे बन ही नहीं सकते हो, तो टीचर के लिए पहले कोर्स होता है। क्या कोर्स होता है, कैसे बनेंगे, एक होता है आपका डिप्लोमा कोर्स और एक होता है आपका बैचलर्स कोर्स, मतलब एक डिग्री कोर्स होता है और एक आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर 12th के बाद टीचर बनना है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है DLED, जिसको आपने JBT के नाम से भी सुना होगा, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग। जब आप DLED कर लेते हो, पहले DLED वाले पाथ से चलते हैं, मान लो आपने 12th के बाद DLED में एडमिशन लिया। अब DLED में कैसे एडमिशन लेना है, DLED होता क्या है, बेसिकली DLED की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एक 2 साल का कोर्स होता है, इसमें आपको पढ़ाया जाता है कि आप जो है एज अ टीचर कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या मेथडोलॉजी फॉलो करेंगे, साथ में आपकी इंटर्नशिप भी होती है 1-2 महीने की, मतलब 2 साल के कोर्स में 1-1 महीने की, दोनों महीने में आपकी आप ऐसे करके ट्रेनिंग होती है, इस तरह से आपका ये पूरा कोर्स होता है। अब इस कोर्स में एडमिशन कैसे लेना है, देखो भाई एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुकी है, ऑलरेडी एप्लीकेशन डेट आ चुकी है, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट जो है आपकी अभी इसी मंथ की है, जो कि 29th मई है, तो उससे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर लो। अब कैसे करना है भाई ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस आपकी 500 है जनरल लोगों के लिए, और कैटेगरी वालों के लिए OBC, SC, ST या PWD के लिए 250 है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट, आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंट्रेंस टेस्ट के बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें आप अपना एडमिशन एनरोल कर सकते हैं, जैसे ही आपका नाम आएगा। अब आपने एडमिशन ले लिया तो अब आपका 2 साल का कोर्स होगा, अब आराम से मस्ती से 2 साल का कोर्स करते रहो। क्या 2 साल के कोर्स के बाद सीधा टीचर बन जाएंगे, नहीं, अभी आपको सिखा दिया है कि आप टीचर बनने के लायक हो, आप टीचर ऐसे बन सकते हो, ठीक है ना, टीचर के सारे आपके अंदर गुण भरे जाएंगे, ठीक है। DLED कर लिया, उसके बाद DLED करते करते ही आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग भी होते हैं, जैसे UP TET, UP में अगर आपको टीचर बनना है तो UP का पेपर दे दिया आपने, हरियाणा का बनना है तो HTET आपने दे दिया, सिमिलरली राजस्थान का बनना है तो आपने RTET का पेपर दे दिया। तो बेसिकली एक एग्जाम आप इसी के साथ साथ DLED के साथ साथ, चाहे फर्स्ट ईयर में हो सेकेंड ईयर में, आप एक पेपर दोगे, जैसे आपने एनरोल कर लिया तो वो पेपर होता है CTET। वॉट इज CTET? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक पेपर होता है, आपको वो देना पड़ता है। अब जैसे आप अभी एनरोल करेंगे तो आप दिसंबर में एक पेपर निकलेगा, यही वाला, साल में 2 बार ये पेपर आता है, तो आप दिसंबर में अप्लाई करके ये पेपर भी दे सकते हो और पूरी लाइफ टाइम ये पेपर आपका वैलिड रहता है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आपने कोर्स पूरा करा है और उसके बाद आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये कर लोगे, ये तो आप जैसे आपका 12th करके आए हो आप, वैसे आप करते रहोगे, साथ में ये पेपर आपने दे दिया, चाहे आप साल में 4 आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी तो कुछ भी किसी भी एक बार दे देना। इसको देने के बाद ये बीच में भी दे सकते हो, लेकिन अब मेन बस ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, पहले कोर्स किया फिर आपने CTET दिया, पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वो आपको जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगी, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रॉपर, उसको जाके आप देख सकते हैं, लिंक जो है उस वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऐसे ही DLED की भी एक प्रॉपर वीडियो है, उसका लिंक भी
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे डाउट, फीस, कोर्स, सिलेबस सब हम उसमें डिस्कस कर लिया है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। अब आपने सीटेट का पेपर वन, पहली बात तो डीएलएड के बाद आप सीटेट का पेपर वन दे सकते हो। डीएलएड के बाद आप प्राइमरी टीचर बनोगे, सबसे पहले कौन से टीचर बनोगे, फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर आप बन पाओगे। तो आपने डीएलएड किया, फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनने के लिए रेडी हो गए हो, आप सीटेट पेपर वन भी आपने दे दिया, आपका क्लियर भी हो गया। उसके बाद जब आपका ये दो साल, मान लो आपने अभी 2023 में एडमिशन लिया, तो 2025 तक ये कोर्स चलेगा। कोर्स होने के बाद आपने इसी के बीच में अपना सीटेट भी कर लिया। अब 2025 में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज आएंगी आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट वैकेंसीज क्या होती है, बेसिकली मान लो आपको दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बनना है, एमसीडी स्कूल में बनना है या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में आपको टीचर बनना है, तो उसके लिए दिल्ली एक पेपर निकालेगी, सिर्फ आपको वो पेपर देना है। अब वो पेपर देने के लिए ही आपने ये दो चीज़ें की थी, अब आप वो पेपर देंगे तो आप दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। अच्छा, टीचर बनने के लिए मोटिवेशन, अब आप बेसिकली कुछ भी करो, आपका पैशन है बहुत बढ़िया, बट सैलरी बेसिकली बहुत मोटिवेशन रोल प्ले करती है। तो 50 से 60 जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है प्राइमरी में भी, मैं 60 बोल रही हूँ क्योंकि बेसिक मैं आपको थोड़ा कम बता के चल रही हूँ, 70 80 भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है जब भी हम टीचर में अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, दिल्ली में भी आप अप्लाई कर सकते हो, आप केंद्रीय विद्यालय में भी अप्लाई कर सकते हो, एनवीएस में और बाकी जितने भी आपके कॉलेज स्कूल्स होते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर डीएलएड सीटेट। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद अब आप जो है फर्स्ट टू फिफ्थ छोटी क्लास प्राइमरी के बन रहे हो अभी, तो टीचर यहाँ पे आपको मैं लिख देती हूँ, प्राइमरी के टीचर बनोगे आप। ठीक है, फर्स्ट टू फिफ्थ को पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप बड़ी क्लासेस को भी पढ़ाना चाहते हो, 6 to 8 पढ़ाना चाहते हो और आप डायरेक्ट 12th के बाद ही टीचर के लिए कोर्स में जाना चाहते हो, तो आप कर सकती हो BLED। व्हाट इज BLED? बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बेसिकली ये कोर्स आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है दो चीज़ों को मिला के, जैसे मान लो आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और साथ में आप टीचर भी बनना चाहते हो, तो आपको लाइन क्लियर है तो आप ये कोर्स कर लो, इसकी जगह पे ये कर लो, मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ आपको। क्यों? क्योंकि देखो आप यहाँ पे मान लो आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो आप BA प्लस हमारा एजुकेशन BA प्लस BED कर लोगे, तो ये आप डायरेक्ट 4-5 साल का आपका ये कोर्स होता है, तो उस तरह से आप डायरेक्ट इसके बाद टीचर बन पाएंगे। और इसके करने के बाद, इसको करने के बाद आप फर्स्ट टू एट्थ किसी भी क्लास के टीचर बन सकते हो। ठीक है, और साथ में जब आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, वो हम बाद में बात करते हैं, अभी हम 12th के रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ गया, भाई बीएड क्या होता है मैडम, बीएड नहीं कर सकते क्या? बहुत सुना है बीएड, डीएलएड तो सुना ही नहीं था, अब डीएलएड तो समझ आ गया होगा। बीएड बेसिकली ये भी एक टीचिंग का कोर्स होता है, फर्स्ट टू एट्थ टीचर बनने के लिए ये होता है। और इसमें क्या होता है, आप जो है ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड कर सकते हो, 12th के बाद डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो उसकी जगह 12th के बाद आप ये कोर्स कर सकते हो। इसमें आपका साथ के साथ ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और बीएड भी हो जाएगी, बस इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ये 2 साल का है, इसमें 2 साल के बाद शायद आप 3rd साल में अपना टीचर बन जाओ। और इसमें आपको कम से कम 4 साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस बीएड करोगे, अब तो 4 साल की हो गई ना, तो उसके बाद जो है आप टीचर बनोगे, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको डायरेक्ट लगना है, आपको ग्रेजुएशन का इतना नहीं है, तो आप डायरेक्ट डीएलएड करके बन सकते हो। ये समझ आया बीएड कैसे करनी है, बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड या कॉमर्स प्लस बीएड, जो भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स है वो कर लो। अब आपने ये कोर्स कर लिया टीचर, फिर से आप सीटेट दोगे, सीटेट देना जरूरी है भाई, या ये करो या ये करो। इसमें क्या होगा, इसको करने के बाद आप पेपर वन भी दे सकते हो जो कि होता है फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के लिए, और पेपर टू भी दे सकते हो जो होता है 6 to 8 के टीचर बनने के लिए। अगर मान लो आपने ये कोर्स कर लिया, उसके बाद आप फर्स्ट टू फिफ्थ को पढ़ाना चाहते हो, तो पेपर वन दो बहुत है, और अगर आप 6 to 8 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो पेपर टू दे दो। फिर सिमिलरली आपकी वैकेंसी आएगी अलग अलग और आप उनके लिए अप्लाई करेंगे, और एक पोस्ट होती है आपकी PRT, एक होती है आपकी TGT, एक होती है PGT। PGT भी मैं अभी बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन पे चली जाती है, अभी हम ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहे हैं, हम 12th के बाद जा रहे हैं। तो 12th के बाद या तो आप डायरेक्ट PRT भी बन सकते हो, TGT। PRT बनने के लिए तो सिंपल DLED, CTET और सीधा जॉब, TGT के लिए BLED, CTET, सीधा जॉब, ये कर सकते हो आप प्रॉपर तरीके से। आप इस तरह से अपना टीचर बन सकते हो, पेपर देके क्वालिफाई कर सकते हो और एक बहुत बढ़िया 12th के बाद सीधा दो से ढाई साल के अंदर एक बढ़िया से टीचर आप बनके गवर्नमेंट टीचर आप बन सकते हो अच्छी सैलरी के साथ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, सबको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना और आपके जितने भी दोस्त हैं उन्हें ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि डायरेक्ट 12th के बाद कैसे टीचर बनना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।